तो फ्रेंड आप लोगों को पता नहीं होगा कि आज मिस्टर विष्णु राज जी का उनका बेटे का जन्म हुआ है, जो उन्होंने अपने बेटे के जन्म के अवसर पर उन्होंने अपने बेटे को कार गिफ्ट की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत ही गरीब थे विष्णु राज, जो उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने आज इस मुकाम में पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जो एक गरीब परिवार से होकर उन्होंने अपने सफलता को प्राप्त किए हैं, और आगे उनको और जाना चाहिए। और उनका सब्सक्राइबर, आप लोगों को पता नहीं हो कि उनका सब्सक्राइबर 25 लाख से ज़्यादा है, और आगे वो जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और उनका घर का एक छोटा सा कार का और घर का मैं उनका झलक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मिस्टर विष्णु राज जी का अपने बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में उन्होंने कार गिफ्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं विष्णु भैया के सब्सक्राइबर लोग जो उनका फ़ोटो ले रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं, और बहुत ही जनसंख्या में उनसे लोग मिलने के लिए आए हैं, और उनके बेटे के जन्म के अवसर पर उन्होंने गिफ्ट दे रहे हैं लोग बच्चे को। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा गेहूँ खेती है, और आए हैं यहाँ पे साग जो खाने के लिए इसमें जमा हुआ है, और मेरे साथ मेरा वाइफ भी आई है। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे आश्रम में भी गेहूँ की खेती होता है, और जो देख रहे हैं सब गेहूँ खेती हमारे ही है, बहुत ही दूर दूर तक खेती किया गया है। क्या कर रही हो राजकुमारी, क्या कर रही हो, क्या होगा ये? हाँ, कैसा बनता है? आग का रस देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा है। देखिए क्या खा रही है, ये देखिए हाथ में, ये बहुत ही टेस्टी साग होता है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि साग कुछ खाना चाहिए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा साग खाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।